दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षत्रियों के लिए रखी गई प्रतियोगिता को कैसे एक ब्राह्मण ने जीत लिया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। धौम्य ऋषि ने पांडवों को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसके बाद उन्होंने द्रौपदी के जन्म की कथा सुनाई। अगर आपने द्रौपदी के जन्म की कथा वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धौम्य ऋषि ने पांडवों को सलाह दी, द्रौपदी की पुत्री के स्वयंवर में ब्राह्मण का वेश करके जाओ और देखो कि वहाँ क्या होता है। यदि द्रौपदी के स्वयंवर की रचना अर्जुन की पत्नी बनने के लिए हुई है तो संसार में वैसा होने से कोई नहीं रोक सकता। धौम्य ऋषि के कहने पर पांडव द्रौपदी के दरबार में उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन चूंकि वे ब्राह्मण के वेश में थे इसलिए प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते थे। वे क्षत्रियों, तपस्वियों और ब्राह्मणों के लिए निर्धारित मंडप में बैठकर क्षत्रियों की प्रतियोगिता देखने लगे। वहां उपस्थित सभी राजाओं से कहा गया कि छत पर लटके हुए पहिए पर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे तेल के कड़ाई में देखकर बीनना है। इस पर वहां उपस्थित सभी लोगों की यह राय थी कि यह तो एक बहुत कठिन परीक्षा है, अगर आज अर्जुन जीवित होता तो इसे अवश्य ही जीत लेता। द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए भारतवर्ष से अनेक धनुर्धर आए हुए थे। उन्होंने अपना हाथ आजमाया, उनमें से कुछ तो प्रतियोगिता में रखे हुए विशाल धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाए। कुछ अन्य मछली की आँख के प्रतिबिंब को देखने की कोशिश में तेल के कड़ाई में गिर गए, बाकी मछली की आँख के बजाय इधर उधर तीर मारकर निकल गई। इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए दुर्योधन को भी न्योता दिया गया था, लेकिन दुर्योधन का विवाह कलिंग की राजकुमारी भानुमति से पहले ही हो चुका था और उसने भानुमति से वादा किया था कि वह उसके अलावा किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने स्थान पर अपने मित्र अंगराज कर्ण को भेज दिया। जब कोई भी निशाना नहीं साध सका तब अंगराज कर्ण उठकर धनुष के पास गए और उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया द्रौपदी अपने स्थान पर खड़ी हुई और बोली, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि एक सूत पुत्र मेरा हाथ थामेगा। इस प्रकार अपने सार्वजनिक अपमान से आहत होकर कर्ण पीछे हट गई। जब कोई भी क्षत्रिय प्रतियोगिता को विजित नहीं कर पाया तो द्रौपदी ने वहां बैठे ब्राह्मणों को प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया। अर्जुन उस समय ब्राह्मण का वेश करके ब्राह्मणों के मध्य बैठा हुआ था, सो वे फुर्ती से उठा, उसने धनुष उठाया और घूमती हुई मछली की आँख के प्रतिबिंब की ओर देखा और तीर छोड़ दिया। तीर ने सीधे ही लक्ष्य को भेद दिया। वहां उपस्थित जन समुदाय ने जोर से हर्ष ध्वनि की। इस बात से सभी आश्चर्यचकित थे, क्षत्रिय कैसे विफल हो गए और एक ब्राह्मण कैसे सफल हो गया। वहां उपस्थित क्षत्रियों ने ईर्ष्या के मारे अर्जुन को द्रौपदी का हाथ थामने से रोकने की कोशिश की, लेकिन धनुर्धर ब्राह्मण की रक्षा के लिए उसके चार अत्यंत बलिष्ठ भाइयों को देखकर वे सब पीछे हट गए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और इसे अपने परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।